नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। टेक्नोलॉजी के इस युग में आपने देखा होगा, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को भी और ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत आसानी हुई है। भ्रष्टाचार पर प्रहार हुआ है, लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का एक माध्यम मिला है। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें किस रूप में करना है, यह आज की आवश्यकता के अनुरूप इसमें उत्तर प्रदेश में, चाहे वह हमारी सरकार के द्वारा फोकस बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के साथ साथ डिजिटल रिलेशन और वर्चुअल कनेक्टिविटी के विकास पर हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है, और इस संदर्भ में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में IIIT के लिए एक साझेदार के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करने का एक बेहतरीन अवसर है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश ने जो अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, आपने उत्तर प्रदेश के अंदर फरवरी 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए हैं। इसमें खासतौर पर उत्तर प्रदेश को डाटा सेंटर का हब बनाने, उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के विकास से संबंधित तमाम ऐसे प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं जिनके लिए हम इस दिशा में अपने कैरियर को भी चुन सकते हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही इस महत्वपूर्ण पहल के साथ हमें इस नए डायमेंशन के नेतृत्व करने के लिए, इससे संबंधित क्षेत्र के लिए जो ट्रेन और इंप्रूव्ड मैन पावर, जो मानव संसाधन है, इसकी आवश्यकता हम महसूस करते हैं। इसी तरह प्रदेश सरकार के द्वारा अलग अलग सेक्टर में जो कार्य किए जा रहे हैं, और खासतौर पर जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन ने ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी मदद की है,